और आज नवरात्रि का नवा दिन है। आज माँ नव दुर्गा के आठवें रूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जा रही है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माँ का यह स्वरूप सिद्धि प्रदान करने वाला है। माँ के इस रूप की पूजा करने वाले भक्तों को हर काम में सफलता मिलती है और बाधाएं दूर हो जाती हैं। यहाँ तक कि देवों के देव महादेव भगवान शिव ने भी सिद्धि की प्राप्ति के लिए माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की थी। शारदीय नवरात्र के देवी के नौ रूपों की आराधना हो रही है। पूरा वातावरण दुर्गामय नजर आ रहा है। पंडालों के पट खुल चुके हैं। भक्तों की भीड़ भी उमड़ने लगी है। फिजाओं में माता की भजनों की गूंज सुनाई दे रही है। इन चार तस्वीरों में आप दुर्गोत्सव की धूम देख सकते हैं। हर तरफ माहौल भक्ति से सराबोर है। तो आज नवरात्र का नौमी है और हर तरफ माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जा रही है। माँ के नौ स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन से आज सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जा रही है। और सीधा रुख करेंगे जापवन ग्राउंड का, जहाँ हमारे सहयोगी अंजनी इस वक्त मौजूद हैं और जानते हैं कि वहाँ पर जाप वन के जो लोग हैं वो नौमी कैसे मना रहे हैं। अंजनी, एक अलग ही तरीके से वहां पर दुर्गा पूजा मनाया जाता है। आज चूंकि नवरात्र का नवा दिन है, नौमी है आज, आज वहां क्या पूजा अर्चना हो रही है और किस रूप में उसे मनाया जा रहा है? देखिए राजदा, ये जाप वन में जो दुर्गा पूजा का जो उत्सव होता है, इसमें कलश की पूजा होती है और कलश को ही देवी दुर्गा का रूप माना जाता है। और यहाँ जो है 1844 ईस्वी से लगातार यहाँ पे पूजा होते आ रही है और हर दिन का अलग अलग विधान होता है। और आज नवमी का वक्त है और ऐसे समय में जहाँ पे कन्याओं की पूजा हो रही है, थोड़ी देर में कन्याओं की पूजा होगी। देखिए, हम थोड़ी यहाँ जो कन्याएं आई हैं, नौ कन्याओं की पूजा होगी, उनके साथ उनकी माँ हैं और इन्हें अब सजाया जा रहा है। और थोड़ी देर के बाद यहाँ पे काफ़ी भीड़ होगी और जयपुर के जो कमांडेंट है वो यहाँ पहुँचेंगे और इस कन्या पूजन में शामिल होंगे। तो इसके बाद जो है अस्त्र शस्त्र की पूजा होती है, जो कि जयपुर का एक अलग पूजा का विधान है। और हम थोड़ी तस्वीर दिखलाना चाहेंगे राजदा आप लोगों को कि ये यहाँ ठीक मंदिर के माँ की जो माँ का जो कलश रखा है उसके सामने यहाँ आप देख सकते हैं जो अस्त्र शस्त्र हैं यहाँ रखे गए हैं। और जितने भी जैप वन के जो जवान हैं जो ये अस्त्र शस्त्र का जो इस्तेमाल जो है उग्रवादियों से लड़ाई में करते हैं, शहर की राज्य की सुरक्षा व्यवस्था में इन अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल होता है, तो तमाम यहाँ पर रखे गए हैं। और इसके पीछे की जो मंशा है, जो धारणा है कि माँ दुर्गा देवी से ये कामना की जाती है कि इन अस्त्र शस्त्रों को जो है सुव्यवस्थित रखे और समय पे जब चलाना हो तो ये चले। और इसके साथ साथ जो जयपुर के जवान जो पूरे राज्य में सुरक्षा का काम कर रहे हैं, नक्सलियों से लोहा ले रहे हैं, तो वैसे लोगों को भी सुरक्षा प्रदान करें माँ। तो एक बड़ा उत्सव के जैसा है यहाँ पे और यहाँ जो चहल पहल है वो बढ़ गई है। तो ऐसे में जहाँ नौ कन्याओं की पूजा हो रही है, मतलब नौ कन्याओं की पूजा के साथ साथ अस्त्र शस्त्र की भी पूजा का तो विधान है, तो बेहद यहाँ का जो माहौल है धीरे धीरे पूरी तरह से भक्तिमय हो जाएगा। संगीत जो भक्ति गीत है वो बजाए जाते हैं और पूरे उल्लास के साथ ये लोग यहाँ इस दुर्गा पूजा को मनाते हैं। हमारे साथ सचिव हैं, ये यहाँ के जो सचिव हैं वो हैं, उनसे बात करने का कोशिश करते हैं। यहाँ हमारे साथ
पूजा समिति के जो सचिव हैं वो हैं, उनसे बात करने का कोशिश करते हैं। ये थोड़ा बताएं आज की जो पूजा है क्या क्या होगा? आज महानवमी की पूजा है, इसमें हम लोग सर्वप्रथम नौ कन्याओं की पूजा करेंगे। हमारे कमांडेंट साहब के द्वारा नौ कन्याओं की पूजा की जाएगी, एक भैरव की, और उसके बाद हम लोग शस्त्र की पूजा करेंगे। हमारे वाहिनी के जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं उनको यहाँ प्रतीक के रूप में जो रखा गया है उनकी हम पूजा करेंगे, और उसके बाद हम लोग की माँ के लिए बलि, पाठा की बलि शुरू हो जाएगी हमारे फायरिंग गाजा बाजा के साथ में आज का यही कार्यक्रम में। यहाँ जो अस्त्र शस्त्र रखे गए हैं इसमें सबसे लेटेस्ट कौन सा वेपन्स है? हाँ, इसमें SG भी है, स्नाइपर है, 5.56 इंच राइफल है, 2 इंच मोटर है, सारे लेटेस्ट हथियार जो भी रखे गए, कुछ पुराने हथियार भी उनको रखा गया है, हमारे पुरखों ने उनको यूज़ किया था, जैसे कि 0.303 राइफल है और SLR है और ईस्ट कार्बाइन है, ये सब हमारे सब। पूरे राज्य में जो सुरक्षा व्यवस्था है या नक्सलियों से लड़ने का बात हो तो कितने जवान अभी पूरे राज्य में तैनात हैं आप लोग का जो गोरखा जो ग्रुप है? जी, हमारे यहाँ 14 कंपनियाँ हैं और लगभग 1800 जवान और पदाधिकारी मिलाकर इस बटालियन में है, तो सभी नक्सल और VVIP की सुरक्षा में तैनात हैं। जैसे पूजा का वक्त है तो सभी लोग आते हैं या कई लोग सुरक्षा में अभी भी लगे रहते हैं? हाँ, सारे जवान कंपनी में इस समय और ड्यूटी बढ़ जाती है ऐसी स्थिति में, तो सारे जवान कंपनी में उनके प्रतिनिधि के रूप में उनके कंपनी कमांडर या एक दो जवान आते हैं जो यहाँ पे पूजा में शामिल होते हैं। कई लोग जो सुरक्षा में लगे हैं वो लोग पूजा में नहीं आ पाते हैं, तो उन लोगों से कैसे संवाद आप लोग करते हैं यहाँ का कि जो व्यवस्था है या फिर उसके घर से कौन लोग आते हैं? यहाँ पर विशेष जो पूजा हो रही है ये वाहिनी की ओर से पूजा हो रही है, तो हम लोग बटालियन के ही जवानों के लिए, पदाधिकारी के लिए एक सुरक्षा, शांति, उन्नति का कामना करते हुए पूजा कर रहे हैं सभी की ओर से, और सभी जवानों को शुभकामनाएं दी जा रही है। समादेष्टा महोदय ने सभी जवानों को शुभकामना दी है और उनसे कंटिन्यू उनके परिवार के सदस्य शामिल है। ये जो कन्या पूजा है, कन्या पूजा जो है कई जगहों में अष्टमी के दिन होता है, आपके यहाँ नौमी के दिन हो रहा है, क्यों, क्या विधान है? जी, हमारी परंपराएं सही में कुछ अलग है, क्योंकि हम लोग माँ के मूर्ति के स्थान पर हम लोग प्रतीक के रूप में कलश की स्थापना कर रहे हैं, तो हमारे गोरखा परंपरा के अनुसार जैसा कि पंडित जी एक मुहूर्त निकालते हैं उसी के अनुसार नौ कन्या की पूजा होती है, जो आज इस बार महानवमी को हो रही है, हमेशा महानवमी क्यों होती है। आज दिन भर और क्या क्या होगा? दिन भर पाठा के बलि के होने के बाद यहाँ पर पूजा होगी, फिर हवन होगी, और साथ में हमारे जो भी रिटायर लोग हैं उनको हम लोग इस समय अवगत करते हैं और उन्हें यहाँ पूजा में शामिल करके उनके स्वागत सत्कार करते हैं। उन लोग यहाँ पर आएंगे और हवन के बाद आज की पूजा समाप्त हो जाएगी, और कल विजयादशमी में हम लोग टीका लगाएं, जो ज्वार देख रहे हैं उनको हम लोग टीका लगा के अपने अभिभावक से आशीर्वाद लेते हैं। ये देख सकते हैं राजदा, जिस तरह से जो पूजा की जो विधि है, जो विधान है, तमाम चीज़ें जो हैं थोड़ी देर में 2-4 से 5 मिनट में शुरू होगी और एक अलग माहौल होता है। जयपुर में देखिए जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो यहाँ अब धीरे धीरे जो पत्तल है, जो हरा पत्ता है उसमें नारियल, कन्या पूजन होता है, कन्याओं की पूजा की जाती, क्या उनसे वो कुछ बोल पाएंगी? हाँ, देखते हैं यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनसे बात करते हैं, बच्चियों से बात करते हैं और जानने का कोशिश करते हैं। थोड़ा इधर देखेंगे, और क्या नाम हो गया? पलक गुरु। आज जो पूजा हो रहा है, कन्या पूजा हो रहा है, यहाँ आप लोग आए हैं, क्या आप समझते हैं इसको? हाँ, क्यों हो रहा है ये पूजा? वो पर्व होता है, कन्या दो नौ कन्या का पूजा करना पड़ता है ये पर्व में। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, क्या कैसा लग रहा है, थोड़ा उधर देखिए कैमरे। अच्छा लग रहा है, उधर कैमरे की तरफ। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, थोड़ा ऐसे होंगे, उधर देखिए, क्या नाम हो गया? कीर्ति थापा। कैसा लग रहा है आज जो आप लोगों की पूजा हो रही है? अच्छा लग रहा है। बोलिए। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। क्या क्या होगा? हम लोग उपवास में हैं, कुछ खाए हैं? खाए हैं। खाना खाते। तो ये छोटे छोटे बच्चे, इनके साथ क्या नाम है? थोड़ी खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ, एक थोड़ी खड़ी हो जाओ, इधर देखो, क्या नाम है?
मेरा नाम प्रियांशी थापा है। अच्छा, यहाँ कैसा लग रहा है, पूजा होने वाला है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, क्या क्या होगा पता है? साथ में कौन आई है? मम्मी। मम्मी आई है, कहाँ पढ़ती हो? स्कूल जाती हो? कैसा लगेगा आज, दिन भर क्या क्या करना है? उधर देखो, उधर आप थोड़ा खड़ी हो जाए। हाँ तो देखिए, छोटी छोटी बच्ची है, मतलब समझ नहीं पाती है, आप बताइए बेटी को लेके आए क्या? बेटी की वजह से मुझे खुद एक्साइटमेंट हो रहा है इसको रेडी करने में, इसको मेरे को लग रहा है कि मेरी बेटी माता ही बन गई। जैसे रेड पूरा इसका ये पूजा में सेलेक्ट हुई बोल के मैंने इसके लिए लहंगा वगैरह खरीद दिया, बहुत ही अच्छा फीलिंग हो रहा है, जैसे मेरी बेटी माता ही बन गई। जैसे जो है एक माता का रूप माना जाता है जो कन्या है, तो ऐसे में एक मैसेज जाता है पूरे समाज को, और उनके जो जो परिजन है, उनकी जो माँ है, वो लोग भी काफ़ी उत्साहित हैं कि बेटी का। देखिए यहाँ जितने लोग जो बैठे हैं, काफ़ी संख्या में बच्चियों का आवेदन आता है तो उसमें से सिलेक्ट होता है, तो ये भाग्यशाली बच्चियाँ हैं जिन्हें देवी का रूप मान करके अभी जो है पूजा की शुरुआत होगी। तो ये परंपरा जो है, जहाँ कन्या पूजा, जहाँ कल हम लोगों ने देखा राजदा, जहाँ बंगाली समाज में भी कन्या पूजा का विधान है, और जो अन्य जो बिहारी लोग जो भी पूजा करते हैं मंदिरों में, तो वहाँ भी कन्या पूजा कल ही हो गया, लेकिन आज नवमी के वक्त में जो है जयपुर में पूजा हो रही है, तो इनकी अलग परंपरा है। तो जहाँ शक्ति की पूजा हो रही है तो वहाँ नारी शक्ति की भी पूजा हो रही है, तो ये आप दोनों चीज़ों को समझ सकते हैं। नारी शक्ति, जहाँ एक तरफ कन्याओं की पूजा हो रही है, तो शक्ति का स्वरूप यदि हम जैपवन के लिए माने तो वो अस्त्र शस्त्र होता है, तो ये अस्त्र शस्त्र भी जो है उनकी पूजा इसलिए भी होती है कि ये लोग लगातार उग्रवादियों से लोहा लेते हैं। जिस तरह से 3 दिन पहले जो है दसम फॉल में हमारे जो जवान शहीद हो गए, तो ये लोग हमेशा कामना करते हैं कि हमारे जवान सुरक्षित रहें और सही वक्त पे जो है वेपन से गोलियां निकले और राज्य में जो है सुरक्षा बेहतर हो, शांति बहाल हो। और इसी तरह से कई ऐसे भी जवान हैं राजदा जो कि अभी भी नक्सल इलाकों में ड्यूटी में हैं, तो उनके परिजन आते हैं, वो लोग यहाँ आते हैं, ये लोग उनसे संवाद भी होती है जिस तरह से बताया गया, तो एक बेहद आकर्षक पूजा होता है। ऐसी पूजा जो है हम लोग और कहीं पर भी नहीं देख पाते हैं, और ये 1839-40 से पूजा यहाँ पे हो रही है। दिखा रहे हैं अंजनी, वो वाकई बेहद अच्छी है, कन्या पूजन की तैयारी वहाँ पर की जा रही है। जाप वन का जो दुर्गा पूजा है, वहाँ माँ के जगह पे कलश स्थापित की जाती है और पूजा की जाती है।